राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां एक्टिव मोड में आ गई हैं। इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने टोंक जिले में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान जनता से कांग्रेस को वोट देने और राजस्थान दूसरी बार सरकार बनाने का अनुरोध किया। इस मंच पर खड़े होकर मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप ऐसे नेता चुनिए जिनके मन में अहंकार नहीं, आपके लिए श्रद्धा हो। आप ऐसे नेता चुनिए जो आपको भूलकर आपकी मुश्किलों को बढ़ाने का काम न करें, आपको हर रोज सुबह याद करें और आपकी मुश्किलों को कम करने का काम करें। आप एक ऐसी सरकार चुनिए जैसी कांग्रेस की सरकार 5 सालों के लिए राजस्थान में रही है, जो आपके लिए, आपकी राहत के लिए, आपकी सहायता के लिए दिन रात एक करें। दूसरे मौके की बात प्रियंका गांधी ने वहां पर कही है, और न सिर्फ दूसरे मौके की बात कही, उन्होंने वहां कारण भी गिना है। उन्होंने कहा कि सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं, 500 रुपए में हमारी सरकार राजस्थान में सिलेंडर दे रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जनता अब ये पूछेगी कि महंगाई राहत कैंप क्यों लगाए जा रहे हैं। निवाई में प्रियंका गांधी बोल रही थी और उस दौरान उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों के लिए कर्जे माफ सरकार करती है लेकिन कर्मचारियों की सुरक्षाओं की बात नहीं करती। अग्निवीर योजना को लेकर उन्होंने 4 साल की नौकरी वाली योजना उसको बताया। उद्योगपति मित्रों को आगे रखने की बात वो कहती रही, जैसे कि हर बार कहती रही हैं। उन्होंने G20 पर भी एक बात कही, उन्होंने कहा कि G20 में बारिश हुई है और देशवासी मानो कह रहे हैं कि अपना अहंकार कम करो, जनता को आगे रखो, जो पैसे की भलाई के लिए जो है काम कर रही है सरकार, अपनी भलाई के लिए काम कर रही है लेकिन जनता का ख्याल नहीं रख रही है। ऐसी बातें प्रियंका गांधी करती रही क्योंकि चुनावी माहौल है और राजस्थान में चुनाव जल्द होने वाले हैं। पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर 32 लाख करोड़ रुपए सरकार के कमाने की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि डरा धमका कर पैसे कमाकर सरकारें गिरा दी गई कई जगह पर, केंद्र सरकार यही कर रही है और धनवानों की जय जयकार हो रही है। तो कुल मिलाकर के सरकार केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास उन्होंने किया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री द्वारा जितनी भी योजनाएं राजस्थान के लिए चलाई जा रही है उन योजनाओं का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि एक बार फिर से कांग्रेस को मौका देना चाहिए।